आपको अच्छे भी लगने लग जाते हैं। मेरे सामने कोई ऐसी नखरे वाली खातून को बिठा दें, केमिस्ट्री में वहाँ भी दिखा लूंगा ऑन स्क्रीन, मैं वैसे फिर उससे बात भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हम तमीज वाले लोगों के साथ काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी सीन हुमायूं के साथ थे तो उसमें मुझे बहुत रियलिज्म लगा आँखों में, जैसे वो ऑफकोर्स वो मुन्ना ही था जो सामने थे मेरे और वो परफॉर्म जो कर रहा था, बहुत रियलिज्म लगा मुझे। सो अब मैं खुद भी लुक फॉरवर्ड करूँगी कि मेरे और हुमायूं के सीन्स जो स्क्रीन पे आएंगे वो कैसे आएँ, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली मैंने बहुत इन्जॉय किए वो सीन्स और मुझे बड़ा रियलिज्म लगा। मुझे लगा कि शायद असल में हुमायूं मुझे ऐसे देख रहे हैं लेकिन वो मुन्ना था। सो यू नो दैट्स द थिंग। सो ये चीज़ जो है ना, बस आपने अच्छा डिलीवर कर दिया, नाउ इट्स अप टू आवर ऑडियंस हाउ डू दे रिसीव इट। सो या दिस इज व्हाट आई फील। डायरेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है कि डायरेक्टर भी उस बारीकी को कि जो एक्टर एक दूसरे को देख के फील कर रहा है या उस कैरेक्टर को देख के फील कर रहा है, तो वो डायरेक्टर भी वो छोटी बारीकी पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। अभी पता चल जाता है काम शुरू करते वक्त कि ये ड्रामा हिट होगा कि नहीं, आप लोगों को फील आ जाती है कि नहीं? मुझे तो कभी जिंदगी में नहीं पता लगा, नहीं। बाकी इनसे पूछ लें। हाँ मुझे पता लगता है। अच्छा। चल जाता है, पता होता है। हाँ मुझे उम्मीद, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंट जरूर होता हूँ। इतनी मेहनत जब हो रही है इसमें और इतना अच्छा स्क्रिप्ट है और एक्टर्स उसमें अच्छे हों, डायरेक्टर अच्छा हो, उसमें मेहनत हुई भी हो, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ आपको दे के जाती है। पर ये मैंने पिछले अपने 5-8 प्रोजेक्ट्स है, वो फिल्में हैं या मैंने ड्रामे जो 2-3 किए हैं, उसमें माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और लोगों ने बड़ा प्यार दिया और उस पर मेहनत हुई भी थी। और इस पर मैंने ज़िंदगी में इतनी किसी ड्रामे में या फिल्म में मेहनत नहीं की, बहुत टफ था। मैं इनको ये बार बार बोलता था, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत टफ था। उसमें आपके बहुत से ऐसे सीन्स हैं, लंबे सीन्स, गर्मी, और वो हाइसम जिस तरह शूट भी करते हैं ना, हाइसम जरा अच्छा लगता था। स्कूल में एक हम आए हुए हैं, हंसी मजाक भी बहुत कम होता था। अभी सना मुझसे पूछे थे आप लोग के बीटीएस तो होंगे मजेदार वाले बीच में शूटिंग के बीच में, जो फंबल वगैरह हुए हों और आपकी हंसी निकल गई हो, और जिस तरह यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। हम बोलते थे बस लाइन नहीं बोलती, मिलिट्री एकेडमी लगता था ऑनेस्टली। लेकिन ये कि उसका आउटकम जो आया वो मुझे, मैं आई एम वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी फॉर दैट। तो उसमें जितनी जो मैंने देखी 2-3 एपिसोड्स के अंदर ही इतनी एक्टिंग की बात हो रही है या उसकी छोटी छोटी चीजों की बात हो रही है, मैंने नहीं देखी। अच्छा, कभी कभी किसी, अब किसी अपने काम की भी मैंने शुरू में नहीं देखी इतनी, कि मैं 2-3 एपिसोड में ऐसे लग रहा है लोगों ने फैसला करो हो ये तो ये है भाई, आप जैसा तो कुछ है ही नहीं है फला। तो भाई ऐसा क्या हो गया इसमें? लेकिन आई थिंक वो मेहनत है जो लोगों को नजर आ रही है। मेरा भी इनिशियल रिएक्शन, बाद में मैंने जब देखा प्रमोशन, पहले 2 एपिसोड की स्क्रीनिंग के बाद की, ज्यादातर लोग वही बात कर रहे थे कि फिल्म की तरह लग रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं ये क्या, इसके पीछे क्या वजह है कि अच्छा ये पहला टीजर आया जब, तो उसमें जो शूट था वो तो ये 2 बंदे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि फिल्म है? अच्छा लोगों ने वाकई बोला फिल्म लग रहा है, फिल्म। आई थिंक वो जो ट्रीटमेंट थी ना टीजर को बनाने की, एक वो भी जरा कैची थी, एंटरटेनिंग किया हुआ था। और खलील साहब का भी ना एक डायलॉग में एक रिदम होता है, वो रिदम आपने पकड़ा हुआ हो ना, आप फिर उस तरह बोलते ना, तो आपको मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मेरे होने की वजह से उस टीजर में मैं ज्यादा था, तो शायद इसलिए इनको फिल्म लग रहा है, क्योंकि शॉर्ट तो बस शूट हुआ है। लेकिन आई थिंक वो जो पूरा ओवरऑल जो आइसम ने एक टोन भी दी हुई है ना, उसमें भी एक फिल्म का सा आंसर है। वो बिल्कुल ऐसे फ्लैशी नहीं है, वो है थोड़ा पेस्टल कलर्स में, हर चीज बड़ी डिजाइन सजाई है जरा है, तो इससे लोगों को लगा कि फिल्म है। अच्छा, लोग तारीफ बहुत कर रहे हैं स्क्रिप्ट की, स्टोरी की, द फैक्ट कि यू नो वो एक फैमिली ड्रामा से बाहर निकला है, वो सब कुछ है। लेकिन एक इतराज ये भी आ रहा है कि जो मुन्ना का कैरेक्टर है और जो बहुत ज्यादा भाई है, नहीं नहीं गुंडा तो शुक्र है नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मुन्ना भाई जो है फिल्म वहाँ से अडेप्टेड है। ये बात खास तौर पे अब दिलवर को भी बोला कि ये मुन्ना का सर्किट है, ये सर्किट तो वो देखिए, एक तो 5वां एपिसोड आने वाला, उसमें ये जवाब मिलने वाला। हाँ। 5वें एपिसोड नहीं, अगर जवाब ये, लेकिन मेरी बात सुने, ये बात ये ठीक है कि अगर ये ना होता तो क्या होता, ये जरूरी भी नहीं था। खलील साहब ने उस तरह लिख लिया हुआ,
कि ये जो कैरेक्टर है ये इंस्पायर्ड है, ये बहुत उससे मुन्ना भाई MBBS से, उसके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होता है। हो सकता है, हाँ हो सकता है। अच्छा अभी आना है चलो उसको देख लें। ये होना जरूरी था? हाँ बात ये है कि ये होना जरूरी था, ये सवाल तो ये है या नहीं था, ये डिस्कशन मेरी हुई थी खलील साहब। हाँ। तो खलील साहब ये क्या कहते हैं उन्होंने बोला अगर तुम लोग को जैसे लग रहा था ऐसे क्या हो गया, अगर लग रहा है तो हटा दो। पर हमने बोला क्यों हटाए, छोड़ दे। खलील साहब ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा था। वो कुछ एपिसोड के बाद एक तो ये क्लियर भी होगी बात, और वो ना भूल जाएंगे लोग ये वाला आंसर। मेरे ख्याल से ये है तो सही मेजर, हमने सोचा था हटाएंगे हमने। हाँ हम भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कहा कि भाई तो कहते ही हैं। देखो ये कोई गलती नहीं है, मगर ये डिसीजन है, एक चॉइस है। है तो सही, थोड़ा सा चॉइस है, लेकिन उसमें एक एडिट वो चीज भी है ना कि फॉर एग्जांपल ये भी एक एक तरह से तंकीद आ रही है कि भाई हमारे यहां कुरंगी में इस तरह तो कोई बात नहीं करता। देखिए यार कुरंगी में इस तरह के गुंडे भी नहीं होते ऐसे जिस तरह के हमने दिखाए। ये फैंटेसी है, ये फैंटेसी वर्ल्ड है और उसके अंदर हमने उसको जितना रियल करके दिखाने की कोशिश की है। तो कैरेक्टर लिखा हुआ ही ऐसा है, वो है एक ऐसा मासूम आदमी, उसने अभी गुंडागर्दी एक्चुअली की भी नहीं है, वो गुंडागर्दी की हुई है या जिस किस्म की भी भाईगिरी की हुई है वो की हुई है रहमती ने। और रहमती का भी उन्होंने जो कैरेक्टर रखा है वो अलग किस्म का रखा है। अभी वो लगता नहीं है कि वो अभी ग्रे लगता है, कभी नहीं पता चलता कि वो कितना कैसा है, क्या है, डार्क है इतना कि नहीं है, तो वो आगे पता चलेगा। तो बात फिर भी यही आ जाती है कि अगर फैंटेसी है तो टाउन भी शायद कोई फिक्शनल हो जाता फिर। हो सकता था, हमने ये भी सोचा था कि कुरंगी ना रखे नाम, लेकिन अब रख दिया तो क्या है Obviously, जब इतने इस मैग्नीट्यूड का एक प्रोजेक्ट हो तो यमुना तो आपने कास्ट कर ली, बट देन माशाल्लाह यू आल्सो हैव अदनान सिद्दीकी, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आखिरी ड्रामा भी आप लोगों ने इकट्ठे किया था, फिर अहमद अली बट भी हैं, जाहिद भी हैं, सुहाए भी हैं, तो जो कास्टिंग का पूरा एक आपका प्रोसेस है वो क्या है? Who sits, do you guys sit down and like you know multiple names होते हैं under consideration? देखिए जी, जो खलील साहब करते हैं तो ये सना और खलील साहब बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग को। और अब यमुना का हो चाहे अदनान का हो, अदनान से पहले इसमें फरहान ताहिर काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, फरहान ताहिर की डेट्स का कोई इशू अच्छा। हुआ तो असल में अदनान ऐसा नहीं कि अदनान पहले दिमाग में नहीं आया था, अदनान आया था दिमाग में, लेकिन क्योंकि जो लास्ट मेमोरी है हम दोनों की वो वही है ना, शहबार और दानिश, तो इसमें दिमाग बोल रहा था कि वापस रिपीट नहीं होना चाहिए फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन जब ताहिर साहब जो फरहान ताहिर हैं उनके साथ डेट्स का ज़रा सा आगे पीछे हो रहा था तो फिर मैंने शायद